नमस्कार आप सभी को, SBT में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है ये, शकरकंद की मिल्क शेक है। तो हर कोई अपने तरीके से बनाते हैं, पर ये बहुत ही यूनिक तरीका है। एक बार बनाकर ज़रूर पीजिए। मेरा एकादशी का व्रत था कल, तो मैं इसीलिए ये शकरकंद की मिल्क शेक तैयार की हूँ। तो 6-7 छोटे छोटे ताज़ा शकरकंद है, इसको बहुत अच्छे से साफ धोकर इस तरह से चाकू से आप काट लीजिए। आप छीलकर बनाना चाहते हैं तो छीलकर बनाइए, क्योंकि बिना छीले भी ये इसका जो छिलका है फाइबर का काम करता है और ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और गर्मियों में अगर आप व्रत कर रहे हैं या ऐसे भी आप इसको मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। मिल्क शेक को आप घंटों भर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद पीजिए। ये रूम टेम्परेचर में अच्छा गाढ़ा पका हुआ मलाई युक्त दूध है। तो इस तरह से कुकर में 1 से 1.5 गिलास दूध मैं डाल दी थी, आप अधिक भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 सीटी लगा देना है इसमें। बहुत दिनों से व्यस्तता थी इसलिए मैं रेसिपी नहीं डाल पाई, क्योंकि हमारे नए घर का गृह प्रवेश हुआ है तो बहुत व्यस्तता है, अभी भी है, तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। और हमारे केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा का भी वीडियो डालनी हूँ, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। अब बद्रीनाथ का भी डालूँगी। तो इसमें 1/2 कटोरी के करीब शक्कर है, तो आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर को डालिए, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से साफ धो लेना है और फिर उसे 2 से 3 सीटी लगा देना है कुकर में। तो देखिए हमारा दूध के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये लाल कांदा शकरकंद अच्छे तरीके से पक चुकी है। अभी ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसे मिक्सी में 1 राउंड उसको घुमा दूंगी, ग्राइंड कर दूंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो आप छिलके बनाइए, परंतु छिलके के साथ में बहुत फायदा करता है। ये एक पेड़ा है, आप गाढ़ा है उसमें करना चाहते हैं तो ये इस तरह से एक पेड़ा मिठाई इसको आप किस के इसमें डाल दीजिए, बहुत टेस्ट आता है, बहुत गाढ़ा भी बनता है। और नहीं है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है, तो बहुत टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। आपने शकरकंद की पूड़ी भी खाई होगी जो हमारे चैनल में है, आप ज़रूर देखिए। खीर भी बनाए हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। अब ये है मिल्क शेक, ये तो और भी बहुत अच्छा लगता है, देखिए कितना गाढ़ा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस तरह से ये मीडियम साइज के गिलास में 3 गिलास बन गए, 4 से 5 छोटे साइज के शकरकंद थे, उसमें 1 गिलास दूध था, 1/2 कटोरी शक्कर थी। आप इस अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं, दूध भी अधिक या कम कर सकते हैं, मगर मुझे गाढ़ा पसंद है इसलिए मैं गाढ़ा बनाई हूँ। थोड़े से अच्छे से गाढ़ा होने से स्वाद भी अच्छा लगता है। दूध को अच्छी तरह से पका ली थी मैं। अब देखिए इस तरह से आप इसमें काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता सब कुछ डाल सकते हैं, और नहीं है तो बिना डाले भी। और सभी को 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जब ठंडी होए उसके बाद पीना, सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप व्रत करते हैं तो उस दिन तो और भी बहुत अच्छा लगता है, और आप खाली भी किसी को भी पिला सकते हैं, सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो शकरकंद वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, और गर्मियों में ठंडी ठंडी पीना तो और भी अच्छा लगता है। तो ये 10 मिनट की रेसिपी है, कोई टाइम भी नहीं लगता। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, तो एक बार बनाकर ज़रूर पीजिए, बहुत यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।